आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रिनेम और एक्सेल पर लिखी हुई वैल्यू को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जिस फाइल या फोल्डर को रिनेम करना हो उसको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए, जैसे अभी हम एरो का यूज करते हुए उस फाइल या फोल्डर पर पहुंच जाते हैं जिस फोल्डर को रिनेम या एडिट करना है। फोल्डर पर आने के बाद केवल F2 को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट फोल्डर एडिट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करके सर जी लिख देते हैं। इतना करने के बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस ये रिनेम हो चुका है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो देखिए, अभी हम एरो का यूज करते हुए किसी दूसरी फाइल या फोल्डर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रिनेम करने के लिए F2 नहीं बल्कि अपने कीबोर्ड से ये वाली की प्रेस करना है। दोस्तों, ये की राइट क्लिक का काम करती है। ओके, इसके बाद अपने कीबोर्ड से केवल M को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए, ये एडिट हो चुका है। अब इसका जो भी नाम देना हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख कर इंटर को प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम विंडो प्लस R को प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में एक्सेल टाइप करते हैं। उसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, एक्सेल ओपन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पर किसी भी सेल में कोई वैल्यू टाइप करके इंटर कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए इसको एडिट करना है, तो इसके लिए पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फंक्शन की F2 को प्रेस करना है। बस ये एडिट पर जा चुका है। अब अपने हिसाब से आप इसको रिनेम कर सकते हैं। रिनेम करने के बाद इंटर को प्रेस कर देना है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेल ही पर एडिट या रिनेम करने का दूसरा तरीका सीख लेते हैं, जो है डबल क्लिक। यानी कि एक्सेल पर जिस वैल्यू को एडिट करना हो उस पर इस तरह से डबल क्लिक करना होता है, तब भी ये एडिट हो जाता है। अब आप इसको बड़ी ही आसानी से रिनेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और शॉर्टकट सीखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।